है, एक रात और भुगता रह लेंगे, क्या दिक्कत है? हमको नहीं, सुरेश कलमाणी के साथ एक सांसद अगर पास उपलब्ध नहीं करा सकता है तो लानत है उसको, मर जाना चाहिए, बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बेशर्मी की बात है ये, बेशर्मी की बात है। स्टेडियम खाली है, एक आम आदमी का पास नहीं है, एमपी का पास है। और हम तो और सुरेश कलमाणी ऐसा भी हम आए पीएस एमपी के आए हैं, जो एक करोड़ 50 एमपी ऊपर है, उनको भी पास नहीं दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है कुछ किसी को अभी को पता ही नहीं चल पाया क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा है, क्या इसका सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ में लोग हैं वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इन्होंने हमको ऑफिशियल नोटिस नाम बता के, मेरा नाम नेपाल सिंह है, मैं सांसद दिलीप गांधी जी का पीएस हूँ जो महाराष्ट्र से अहमदनगर से प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने हमको कल सुबह बुलेटिन में एक नोटिस भेजा थ्रू पार्लियामेंट, ये आपको 12 तारीख और 13 तारीख को सुबह कैमरे की तरफ देखिए, बीच में पार्लियामेंट का जो नोटिस हो गया जहाँ से हमारी सारी सूचना वहाँ से आपको पासेस अवेलेबल कराए जाएंगे। हम कल सुबह बड़े उत्साह से गए, एमपी साहब ने भी कहा चलो ठीक है आप जाइए लेटर लेके, वहाँ पासेस मिल जाएंगे आपको। हम वहाँ गए, इन्होंने पासेस नहीं दिए, इन्होंने आज पे डाल दिया, ठीक है कल देंगे। हम आज सुबह गए, हमारा लेटर कल भी रिसीव किया इन्होंने, बहुत सारे लोगों का आज भी रिसीव किया, और मुश्किल से 2-4-5-10-15 एमपी को दिया, पीएस को दिए, उसके अलावा किसी को इन्होंने पासेस नहीं दिए हैं। हमारा सबका लेटर रिसीव करने के बाद इन्होंने कहा आधे घंटे बाद देते हैं, एक घंटे बाद देते हैं, दो घंटे बाद देते हैं। इन्होंने कहा था कि हम एमपी को दो पास देंगे, हस्बैंड और वाइफ। हमने कहा हमको दो ही चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को चाहिए, लेकिन इन्होंने कल ये बात कही, आज भी ये बात कही, और ये 12:30 बजे तक एक एक करके 7 लोग थे वहाँ, 12:30 बजे एक एक करके ये लोग सब निकल लिया और आ गए अपने यहाँ, और अभी बोले कि हम खाना खाने चले गए, जब हमको वहाँ 5 बजे तक हम बैठे रहे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, तो वहाँ से हमको ये स्पष्ट हो गया कि अब वो वहाँ नहीं आ रहे हैं, आपको वहाँ रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा, वहाँ आपको पासेस कलेक्ट हो जाएंगे। हम यहाँ आए, एक लेडी उन्होंने बगल में है, वो मैडम अंदर नहीं जा पा रहे, जहाँ पासेस डिपार्टमेंट है एमपी का वहाँ जाने के लिए मना किया है, हमारे पास भी कोई पासेस नहीं है, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि अगर ऐसा होगा तो वो पेंट होने के लिए क्या पास। सुनो सुनो सुनो, एक मैडम एमपी वहाँ खड़ा है, उसको अंदर जाने नहीं दे रहा, पास भी नहीं दिया, जितनी सरकार है उनका एमपी बाहर खड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन्हीं का एक स्टेप का व्यक्ति अभी निकला है, उसका टेबल के ड्रॉर के अंदर रखे हैं पासेस के बंडल, अगर आप जा सकते हैं तो अभी भी आप निकाल के देख सकते हैं, इसके पास पासेस रखे हैं। अभी अभी भरोसा देना नहीं चाहते, सुनिए सुनिए, क्या लग रहा है कि क्यों आपको पासेस नहीं दिए जा रहे हैं? हमको नहीं, सांसदों को पास नहीं दिया जा रहा, सांसदों को, हमको नहीं, सांसदों को नहीं दिया जा रहा जो हमको लग रहा है। We went to Ashoka Hotel to sub. My own MP's passes were supposed to be given, some tickets. I went and I carried the MP's card also. He says, now the man with the photo on this only can come. सुरेश कलमाणी, 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 सिक्कों के दलालों को, पासों के दलालों को, आज के लिए धन्यवाद।
हम लोगों से 28 लेटर ले लिए हैं और अभी तक वो लेटर हमारे वापस नहीं मिल रहे और ना ही वो पास मिल रहा है जो हमारे कल से बैठा के रखा है देना है। हम लोग अपने लिए नहीं मांग रहे, एमपी के लिए मांग रहे। कोई एमपी भी आए हुए हैं आपके? अभी आए थे, अभी गए। सारी का बगल है, दो तीन आंध्रा के थे। एक एमपी तो उधर भी खड़ी है ना वो। हाँ अभी एक तो लड़ी, अभी दो तीन एमपी अंदर भी गई हैं। हाँ लीजिए बुलाओ। ये कौन है? ये कौन है? इन्होंने जो दो महीने से सेवा कर रहे हैं वॉलेंटियरों के साथ हाथापाई की है। हाँ तो भाई हमारे हमारे प्रशासन के दबाव से उनके साथ मारपीट की है, लेकिन हम चाहे मारपीट सहनी पड़े चाहे खून खराबा हो, पास लेके जाएंगे। इस देश की 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के पास हम लेके आएंगे। कलमारी तो सिर्फ एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, पूना का। और हम देश के Hey!